हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं ASUS ZenFone Max Pro M1 के बारे में बात करने वाला हूँ। इसे यूज़ करते हुए मुझे 1 साल हो चुके हैं, तो यहाँ पर एंड्रॉयड पाई अपडेट के बाद मैंने सोचा क्यों ना एक रिव्यू डाल दूँ ये ASUS ZenFone Max Pro M1 के बारे में। तो यहाँ पर मैंने ऑनलाइन बहुत थ्रेड पढ़ा था कि इसमें बहुत एंड्रॉयड पाई अपडेट के बाद यहाँ पर बहुत सारा प्रॉब्लम आ चुका है। तो यहाँ पर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि मैंने क्या क्या इश्यूज़ फेस किया है एंड्रॉयड पाई अपडेट के बाद। तो चलिए पहला कैमरा के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट कैमरा आता है ASUS ZenFone Max Pro M1 में, वो मुझे एकदम पसंद नहीं है। मतलब कि ये एवरेज क्वालिटी फ़ोटोज़ ही लेता है और रात को और ये आर्टिफिशियल लाइट में एकदम बेकार फ़ोटोज़ लेता है। वैसे ही इसका फ्रंट कैमरा का बारे में बात करना नहीं चाहता। वहीं अगर आपने ASUS ZenFone Max में कैमरा टू API इनेबल करके रखा है तो आप गूगल कैमरा इंस्टॉल कर सकते हैं। गूगल कैमरा से मैं तो कहना चाहता हूँ बहुत ही अच्छा फ़ोटोज़ लेता है गूगल कैमरा। तो अगर आपने कैमरा टू API इनेबल नहीं किया है तो आपको एंड्रॉयड पाई के साथ ऑटोमेटिकली इनेबल होके आ जाता है, नहीं तो आप इनेबल कर सकते हैं फास्ट मोड मोड में जाके। तो यहाँ पर ASUS ZenFone Max में जो गूगल कैमरा होता है वो बहुत ही अच्छा फ़ोटोज़ लेता है। अभी इसका दाम भी घट गया है, मतलब कि अभी 8500 समथिंग में ये सेल हो रहा है। तो आपको ये 10,000 के अंदर इतना अच्छा कैमरा वाला फ़ोन मिल नहीं सकता अगर आप एक गूगल कैमरा इंस्टॉल करते हैं तो। अब यहाँ पर जो रैम मैनेजमेंट है ASUS ZenFone Max Pro M1 में, ये मैं 3GB वेरिएंट यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जब ओरियो अपडेट था मुझे 4-5 ऐप्स चलाने में कोई दिक्कत नहीं था। एंड्रॉयड पाई अपडेट आने के बाद मुझे क्या पता नहीं, ये मेरे साथ ही हो रहा है कि दूसरा फ़ोन में हो रहा है मुझे पता नहीं। अगर आपके फ़ोन में होता है तो नीचे कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर ये जो रैम मैनेजमेंट है, मैं 3-4 ऐप से ज़्यादा ऐप मैं बैकग्राउंड में रखता हूँ तो लोड होके आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर लोड हो रहा है, तो यहाँ पर मैं दूसरा कोई तो ये वाला लेता हूँ, ये ऑलरेडी लोडेड था। अब यहाँ पर मैं ये YouTube लेता हूँ, देख सकते हैं YouTube फिर से ओपन होके आ रहा है। तो यहाँ पर रैम मैनेजमेंट उतना खास नहीं है एंड्रॉयड पाई अपडेट के बाद। अब दूसरा जो प्रॉब्लम आया है मुझे पाई अपडेट के बाद, यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है, वो फिंगरप्रिंट स्कैनर कभी कभी अच्छे से वर्क कर लेता है, कभी कभी वर्क भी नहीं करता, सिर्फ वाइब्रेट करता है जब मैं यहाँ पर फिंगर लगाता हूँ तो, और कभी कभी बहुत ही स्लो हो जाता है। मतलब कि यहाँ पर मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लॉक कर दे रहा हूँ फ़ोन को, अब यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, देख सकते हैं अभी ठीक से वर्क कर रहा है, देख सकते हैं अभी ठीक से वर्क कर रहा है, कभी अभी हिट और मिस हो जाता है। तो कभी बहुत स्लो हो जाता है फिंगर लगाने के बाद, थोड़ा 1-2-3 सेकेंड के बाद ही आता है। तो यहाँ पर अभी ठीक से वर्क देख सकते हैं, अभी नहीं आ रहा है, ओके अभी मिल गया है। तो इस तरह कभी हिट और मिस हो जाता है। तो कि एंड्रॉयड पाई अपडेट के बाद मुझे ये प्रॉब्लम आने लगा, एंड्रॉयड ऑडियो ओरियो में ये प्रॉब्लम नहीं था मेरे साथ। अब बैटरी लाइफ के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो बैटरी लाइफ है इसमें मुझे कोई चेंजेस नहीं लगा है, अभी भी मुझे एक चार्ज में 1.5 डेज चल जाता है और यहाँ पर चार्जिंग टाइम भी 2.5 to 3 hours के अंदर फुल चार्ज हो जाता है ये 0 से। तो यहाँ पर मुझे बैटरी में कोई प्रॉब्लम उतना नहीं लगा, देख सकते हैं यहाँ पर। तो एंड्रॉयड पाई अपडेट के बाद बैटरी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, तो वो जैसे ओरिया में चल रहा था वैसे ही 1.5 डेज मुझे मिल जाता है इसमें बैटरी। यहाँ पर जो प्रॉब्लम मुझे आया है पाई अपडेट के बाद वो है फिंगरप्रिंट स्कैनर और जो रैम मैनेजमेंट होता है, वो भी थोड़ा 3-4 ऐप्स के बाद ऑटोमेटिकली फिर से रीओपन हो जाता है वो ऐप। तो वही मुझे प्रॉब्लम लगा है, फिर भी 1 साल से मैं कंटिन्यूसली यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिया है ये फ़ोन, बहुत ही एक सॉलिड डिवाइस है। फिर भी आपको 8,500 रुपये में आपको एक फुल HD+ डिस्प्ले मिल रहा है, एक मेटल बॉडी मिल रहा है, स्टॉक एंड्रॉयड मिल रहा है और एक गुड कैमरा, मतलब कि अगर आप एक गूगल कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो एक अच्छा कैमरा वाला फ़ोन मिल रहा है, 5000 mAh बैटरी मिल रहा है आपको, जो कि पूरा हेवी यूज़ करने से भी आपको 1.5 डेज दे देता है। और यहाँ पर आपको ड्यूअल सिम सपोर्ट देता है, उसके साथ एक SD कार्ड का स्लॉट भी है। और यहाँ पर जो दो सिम में आपको ड्यूअल 4G वोल्टी सपोर्ट मिल रहा है, तो इससे ज़्यादा आप क्या मांग सकते हैं। अभी भी मैं सोच रहा हूँ ये वर्थ है ख़रीदने के लिए, अगर आप एक फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं तो आप ये ASUS ZenFone Max Pro M1 ख़रीद सकते हैं। अभी ASUS ZenFone Max 3 फ़ोन निकलने वाला है,
फिर भी मुझे ये फ़ोन अभी भी बहुत ही पसंद है। अगर अगर किसी को सजेस्ट करना है तो मैं ये फ़ोन सजेस्ट करूँगा। सिर्फ एक छोटा सा प्रॉब्लम है, ये मेरे साथ ही आ रहा है कि दूसरे एसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 यूजर्स के साथ भी आ रहे हैं, मुझे पता नहीं। वो है फिंगरप्रिंट स्कैनर और इसका रैम मैनेजमेंट। रैम मैनेजमेंट के लिए आप एक सिंपली 6 GB वेरियंट या 4 GB वेरियंट खरीद सकते हैं, 3 GB वेरियंट में मत जाइए। तो यही एक छोटा सा वीडियो था मुझे एसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 एक साल एक यूज़ करने का एक्सपीरियंस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।